ये भगवान की कृपा थी। और ऐसी भगवान की कृपा हुई नारायण, एक महात्मा जी पहुंच गए। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी क्वचित आगत। और वो बहुत ज्यादा रोना नहीं पड़ा उनको, अरे वो थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा आंखों से पानी जो निकला वो जमीन पर भी नहीं गिरे आंसू, इतना क्षण मुहूर्त, ज्यादा नहीं रोना पड़ा उनको। आध्यात्मिक आदमी को ज्यादा रोना नहीं पड़ता है, वो भगवान की कृपा हो जाती है। महात्मा एक सन्यासी पहुंच गए, महात्मा ने देखा ओहो ये कोई जीवात्मा दुखी मालूम पड़ता है। उन्होंने पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे को संतान नहीं है। महात्मा जी ने ध्यान से देखा नारायण, वो अंतर्मुखी साधु थे, दूसरे के प्रारब्ध को पढ़ सकते थे। ध्यान से देखा और समझ गए 7 जन्म तक इनको कोई संतान नहीं है। अब उस समय महात्मा जी को ये बात उनको बोलना नहीं चाहिए था, बोल के महात्मा फंस गए। महात्मा जी ने कहा बेटा 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और ये संतान की भावना का त्याग करो और सन्यासी सर्वथा सुखम चेला बन जाओ, मेरा महात्मा बन जाओ। जैसे उन्होंने कहा ना कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, वो समझ गया आत्मदेव लगता है कि अंतर्दृष्टि साधु हैं और ये मेरे को संतान दे सकते हैं। भाव जगा, भावना जगी और उन्होंने कहा कि मेरे को आप संतान दो, सन्यास लेके मैं क्या करूंगा। विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलादपि, आप अपने शक्ति का उपयोग करके मेरे को संतान प्रदान करो, और कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप मेरे को संतान नहीं दोगे यहीं पर मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, तुम्हारा नाम लेके मरूंगा लेकिन, और मेरे मरने की आत्महत्या की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बड़ा मजेदार है आत्मदेव। देखो दबाव डाला महात्मा के ऊपर, दबाव डाला तुम नहीं दोगे संतान तो तुम्हारा नाम लेके मैं मरूंगा, और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? तुम्हारे ऊपर। महात्मा तो हंसे नारायण, महात्मा को तो मालूम था, बच्चे की तरह महात्मा ने लिया। महात्मा के मन में दया का संचार हो गया। ओहो, महात्मा को यह भी मालूम था कि ये मेरा नाम लेके भी मरेगा तो भी मेरे को पाप नहीं लगने वाला है, लेकिन महात्मा के मन में दया आ गई और एक झोले में फल था नारायण, रहा होगा एप्पल उप्पल पड़ा रहा होगा, वो उठा लिया उन्होंने और उनको दे दिया हाथ में और इशारा कर दिया तुम्हारी पत्नी को इसको खिला देना। 1 साल के अंदर बहुत सुंदर ज्ञानी संतान पैदा हुई। भगवान का निरंतर भजन करे, एक समय भोजन करे, किसी की भी निंदा स्तुति न करे, निर्मल भाव से जीवन जिए, चरित्र ठीक रखे और भगवान का निरंतर स्मरण करे। नारायण नारायण बोल के महात्मा तो चले गए, आत्मदेव उस फल को लेकर के आए, बहुत प्रसन्नता थी। पत्नी को उन्होंने वो फल दिया नारायण, और फल दे करके सारी कहानी सुना दी। आपके प्रारब्ध में यदि नहीं है आप उसको पैदा कैसे करोगे? आपका जितना लोटा है ना उतना ही पानी मिलता है, चाहे आप उसको समुद्र में डुबाओ चाहे आप बाल्टी में डुबाओ। आपके पास 1 लीटर का लोटा है, आप बाल्टी में डुबाओगे तो भी आपको उतना ही पानी मिलेगा, और समुद्र में डुबाओगे तो? कोई बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने सोचा कि मैं अपनी बाल्टी समुद्र में डुबाऊंगा तो पानी ज्यादा मिलेगा। आपकी बाल्टी जितनी है उतना ही आपको जल मिलेगा, चाहे आप उसको कुएं में डुबाओ चाहे समुद्र में डुबाओ। आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो प्रारब्ध बन चुका पुरुषार्थ है, उसमें जो चीजें हैं नारायण वही आपको मिलती हैं, दूसरी चीजें नहीं मिलती हैं। आपका पुरुषार्थ क्या है? आपकी क्षमता आपके पुरुषार्थ का फल है।
उन्होंने कभी पुरुषार्थ किया नहीं, कोई संतान के लिए प्रारब्ध नहीं था उसका, इसलिए महात्मा ने दिया लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाए और वो उल्टा सोचने लगी। उल्टा क्या उल्टा सोच रही थी, ये पेट में बच्चा आएगा, 9 महीने तक पालना पड़ेगा, पालने का कष्ट, पैदा होने का कष्ट, पैदा करने का कष्ट, और पैदा होने के बाद बहुत कष्ट है, इसकी अपेक्षा निसंतानी ज्यादा सुखी होती हैं। उन्होंने वो फल नहीं खाया और अपने पति को बोल दिया, मैंने खा लिया, झूठ बोला ना, झूठ का आश्रय लिया। और उन्होंने अपने बहन से मिलकर एक षड्यंत्र रचा नारायण। बहन भी बहुत दुष्ट स्वभाव की थी, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में संतान है, मैं तुमको दे दूंगी, तुम अपने पति को बोलना, मेरी संतान पैदा हो गई, मेरी बहन की संतान पैदा हुई थी, मर गई और मेरे स्तनों में दूध नहीं है, तो मैं अपने बहन को अपने घर में बुला लेती हूँ, मैं अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए। कितना बड़ा षड्यंत्र। और उन्होंने सुनाया कि आप थोड़े समय के लिए तीर्थाटन करने के लिए चले जाओ। आत्मदेव आए, बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव भी, इतना बड़ा षड्यंत्र अपने पति के साथ किया लेकिन मालूम तक होने नहीं दिया आत्मदेव को। लेकिन उनके मन में उस फल के प्रति आस्था थी, उन्होंने सोचा कि महात्मा ने फल दिया कुछ तो इसके अंदर प्रभाव होगा। उन्होंने गाय को खिला दिया था नारायण, 1-2 महीने और बीते और गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वो पूरा मनुष्य के आकार में था लेकिन उसके कान गाय की तरह थे और इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, गोकर्ण जी महाराज की जय। और वो दोनों बालकों के बारे में एक वाक्य में ही सुखदेव जी महाराज जी सुनाते हैं नारायण। थोड़े ही दिनों में मालूम पड़ा गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित बने नारायण। गाय से पैदा होने के बाद भी महात्मा के आशीर्वाद से पैदा हुए थे इसलिए पंडित बने, ज्ञानी बने। धुंधुकाली महाखल, भाई धुंधुकाली महाखल क्यों बना, वहां षड्यंत्र था, वहां विश्वासघात था, महात्मा के फल के प्रति अनास्था थी, महात्मा के वचनों का अनादर था और इसीलिए वहां एक दुष्ट दुरात्मा पैदा हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो बढ़ता गया नारायण, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर या कुएं में डाल देता, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो शराबी जुआरी दुनिया के सारे कुकर्म करता था। और गोकर्ण साधना त्याग तपस्या सत्य ईमानदारी दया करुणा प्रेम अहोभाव भक्ति वैराग्य, आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, दोनों चीजों में 36 का कड़ा। और वो अपने पिता का सम्मान करते थे, माँ का भी सम्मान करते थे गोकर्ण। बहुत परेशान हो गए आत्मदेव और वो सोचने लगे मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज जी आ गए नारायण और गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को तत्व ज्ञान का यहाँ उपदेश किया है। बहुत सुंदर उपदेश है ये। उन्होंने कहा कि पिताजी आप दुखी ना हो, आप अपने जीवन में वैराग्य को धारण करो, वैराग्य को। हमारे शास्त्रों में वैराग्य की बात हर जगह पर है। तत्पिता कृपण प्रोच्चैर धनहीनो रुरोदः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसम्मत बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो तो वैराग्य धारण करो। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वैराग्य धारण करने की जरूरत है। और वैराग्य का अर्थ है जो भी हमारे अंदर पागलपन है उस पागलपन को कम कर दो,
खाने का बहुत ज्यादा पागलपन है, उसको थोड़ा कम कर दो। पहनने का बहुत ज्यादा पागलपन है तो उसको थोड़ा कम कर दो। साल में 10 कपड़े खरीदते हैं तो कितना खरीदे, 10 की जगह पर 8-6, थोड़ा उसको माइनस में ले आओ ना। बहुत पागलपन, बहुत ये दुनिया के पदार्थों को बटोरने का जो पागलपन है, आदमी का मन ही नहीं भरता है। कपड़े 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 बांध 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 के रखता है आदमी, बांध बांध के रखता है। कितने पहनोगे आप, अपने को सड़ाओगे कि कपड़े। बहुत ज्यादा पागलपन है कपड़ों का, थोड़ा समेट लो उसको, ये वैराग्य है। खाने का पागलपन कम करो, गुस्से में आने का पागलपन थोड़ा कम करो, जलन घृणा ईर्ष्या जो भी हमारे जीवन में कमियां है उसको कम करते जाओ, माइनस में लाते जाओ, यही तो वैराग्य है। थोड़ा दया धारण करे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, वैराग्य है। वैराग्यम परिदर्शन, गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को वैराग्य की बात बता दी। एक बड़ी सुंदर बात कही है यहां पर, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। ये जो संसार है ना, उन्होंने कहा बड़ा विमोहक है लेकिन दुख रूपी विमोहक। ये आपके अनुभव की बात बोली गोकर्ण जी महाराज ने, बिल्कुल आपके अनुभव की बात बोली। आपने कभी बेर खाए, बेर बेर हा? आपने कभी बेर खाया? एक महात्मा जी ने कहा कि बेर तुमने कभी खाया? नहीं खाया, बेर खाया होगा, बेर नहीं खाया होगा। आपके अंदर किसी के प्रति बैर हो ना तो उसको खा जाओ, किसी के प्रति आपके मन में शत्रुता है तो उसको खा जाओ। आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता पैदा ही मत होने देना, बैर को खा लिया हमने। चलो, आपने कभी बेर खाया है क्या? बेर खाया होगा जरूर, कल ही मैंने बांटा था बच्चों को। हमारे राधनपुर से आए हैं चतुर भाई, वो हमारे लिए बेर ले आए। उन्होंने कहा बेर खाओ महाराज, ये शबरी के बेर है। मैंने कहा कि मेरे को कथा करना है, मेरा गला खराब हो जाएगा। वो बोले कि इसके अंदर गला खराब होने वाली चीज हमने निकाल दी है। उन्होंने कहा कि गला खराब होने वाली जो चीज है इसके अंदर से हमने निकाल दी है। अब मेरे को नहीं मालूम उन्होंने कैसे निकाली, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे भी हो खा लो, आपका गला खराब नहीं होगा, ये शबरी के बेर है। मैंने कहा भैया मैं खाऊंगा, लेकिन कथा खत्म होने के और 2 बेर हमने निकाल कर रख दिए, बाद में खाऊंगा। आपका जो बेर का जो झाड़ है ना वो बहुत मजेदार होता है। बेर के झाड़ के पास आप जाके देखना, उसमें 2 प्रकार के कांटे होते हैं, 2 प्रकार के। एक कांटा ऐसा होता है राउंड में, और दूसरा कांटा ऐसा सीधा होता है। यदु बाबूजी, हाँ हमारे यदु बाबूजी आ गए हैं, बड़े अनुभवी भगवान के बहुत पुजारी, हमारे आदर्श साधु पुरुष। आप बेर के झाड़ में देखना, वहां 2 कांटे होते ना, एक ऐसा होता है समझ में, और एक सीधा वाला होता है। आप उसके पास जाओ तो टेढ़ा वाला जो कांटा है ना आपको पकड़ता है, खींचता है, और वो सीधा वाला मारता है। देख लेना, अनुभव हुआ बच्चों को, अनुभव हुआ झाबुआ से आए बच्चे। वो जो टेढ़ा वाला है वो आपके कपड़े में लगेगा, आपके स्किन में भी लग जाता है, वो पकड़ लेता है, और वो सीधा वाला चुबा देता है। दुख रूपी विमोहक, ये संसार भी ऐसा है। आदमी एक तरफ से आपको अटका के रखता है और दूसरे तरफ से डंक मारता है। हाँ, आप दुनिया की हर चीज में आप देख लीजिए, आप इसको बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूं तो आप खुद विस्तार कर लेना। आप पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो दुनिया में रिश्ते हैं वो ऐसे ही हैं, एक चीज में अटका के रखते हैं, दूसरे से डंक मार देते हैं।
वो कभी नहीं चाहते कि आपसे हम दूर चले जाएं, और कभी ये भी नहीं चाहते हैं कि आपसे वो दुखी ना हो। आप उनको बोल दो कि हम थोड़े समय के लिए अब स्वामी जी के साथ जा रहे हैं, महीना दो महीने के लिए। बोले नहीं 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 नहीं, हमको छोड़ के नहीं जाओगे। और आप उनको बोलना तुम हमको दुखी नहीं करोगे कहीं, बोले वो भी संभव नहीं, तुमको डंक भी मारेंगे लेकिन छोड़ के भी नहीं जाओगे। माने तुमको हम भागने भी देंगे, भागने भी नहीं देंगे, हाँ, और तुमको बिना मारे छोड़ेंगे भी नहीं। ये संसार बहुत आकर्षक है, दुख रूपी है, और वो विमोहक है, बहुत आकर्षित करता है नारायण। दुनिया में सारे लोग आकर्षण में फंस जाते हैं, और एक बार उस आकर्षण में फंसने के बाद कितना भी दुख हो उसको झेल लेते हैं। वैराग्य धारण करो। गोकर्ण जी महाराज जी कह रहे हैं संसार के आकर्षण में फंसना नहीं, संसार के आकर्षण में उलझना नहीं। जितना आकर्षण है उतना बहुत है, आप जितना फंस चुके उतना बहुत है। आपको जीने के लिए जितना आपको फंसना था उतना फंस चुके उतना बहुत है, अब आगे फंसने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि नहीं समझे? क्यों बैरागड़ा जी, जितना आप फंस चुके इससे ज्यादा आप क्या करोगे? आप फंस के उतना बहुत हो गया, अब आगे नहीं फंसना है, अपनी आसक्तियों को आगे उलझाना नहीं है, और भगवान का भजन करना है। गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा भगवान का भजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे वैराग्य हो गया नारायण, आत्मदेव में वैराग्य हो गया, आत्मदेव में वैराग्य हो गया, आंखें बंद हो गई, भगवान की भक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। धन्यवाद दिया उन्होंने अपने पुत्र को, धन्यवाद दिया, और वो सोचने लगे ये वास्तविक बच्चा तो मेरा यही है, गोकर्ण ही मेरा बच्चा है, यही मेरा गुरु है। सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार में जाकर के नारायण गंगा के पावन तट पर बैठ गए, दशम स्कंद का पाठ करने लगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रेम से बोलना, चिल्लाना मत। आप राम ऐसा बोलते कि नहीं? आप भगवान को पुकारते हो, कैसे पुकारते हो? राम 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 राम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, राम राम राम, वो भगवान को मालूम है कि ये मेरे को बोल रहा है। लेकिन जब दशरथ जी ने भगवान को पुकारा होगा तो कैसे पुकारा होगा? अरे उनके हृदय में विरह था प्रभु का, प्रभु मिलन की व्याकुलता थी, और वो जब राम बोल रहे थे ना, आहा राम राम राम, मने उनकी पूरी मने हृदय गदगद हो रहा था, पूरा शरीर और वो वातावरण नारायण, वो विरह में और वो प्रभु को पुकार रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। जब वो भगवान को पुकारते तो आपकी तरह टेक्निकल नहीं, कृष्ण कृष्ण, और वो हृदय से नारायण, हृदय से। ऐसे आपको भी बोलना चाहिए, आप बनावटी बोला, बनावटी बोलो, बनावटी बोलो, आप थोड़ा देखो तो, अब यहां मत देखना, समय तो बड़ा कम है, आप दरवाजा बंद कर देना पक्के तौर पर, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है, और उसके बाद जो है बनावटी बनावटी नाटक करो आप, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने या राजा दशरथ ने प्रभु राम को पुकारा, वैसे आप पुकारो प्रभु को, और उसके बाद आपके आंखों में आंसू ना आए, और आप प्रभु के लिए नहीं रोए, ताकि मेरे को दो चार गाली दे देना। आप जब भगवान का नाम ले नारायण तो प्राणों के साथ रोम रोम खिल जाए,
प्रैक्टिकल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह प्रातः 7 से 8 सोहम साधना, 7 से 8 एक घंटा आप करते हो प्रैक्टिकल, उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, जल्दी उठ के आना चाहिए। आप एक घंटा उस साधना में डूब जाते हैं, आप करते नहीं, आंखें बंद मौन। अभी 9 से 10 भी हैं, आज भी 9 से 10 आपका भोजन होगा, उसके बाद आप निवृत्त होके आप यहां आएंगे 9 से 10, और 10 बजे आपको कल के स्नान की सूचना देंगे, क्या क्या करना है व्यवस्था संबंध में आपको बताएंगे। आत्मदेव ने साधना की नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और थोड़ी दिनों के बाद सारे उनके मन के कलमश, वासनाओं का पागलपन समाप्त हो गया और भगवान के भक्ति में डूब गए, वैराग्य आ गया उनके अंदर, ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई। 65 वर्ष की उम्र तक जिए और उसके बाद भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर धुंधुकारी बहुत दुष्ट दुरात्मा था नारायण, अपने माँ को आके डांटने लगा, फटकारने लगा। माँ ने बेटे के भय से कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दिया। बहुत सारी महिलाओं को, वेश्याओं को लाके रख दिया घर में, महिलाओं ने उसको मार दिया, प्रेत बन गया वो। आरो प्रेत बनकर के विचरण कर रहा था, हा देव हा देव हा देव, अब मेरे को कौन छुड़ाएगा, मेरे को इन दुखों से कौन पार कराएगा। आपके आसपास यदि कोई साधु पुरुष हो नारायण, तो समझना किसी जन्म का कोई पुण्य है। हाँ, और आप हमेशा साधु महात्माओं के मध्य में रहते हो तो समझना अनंत जन्मों की हमारी साधना, भगवान की बड़ी कृपा है, हम संतों के बीच में रहते हैं, हमेशा संतों के बीच में रहते हैं, हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई साधु रहता है। बहुत बड़ा वो दुष्ट दुरात्मा, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य वो गोकर्ण का भाई बना, आत्मदेव के घर में आ गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए गए थे, वापस आ गए रात्रि के समय। जब वो घर में सोने लगे नारायण, धुंधुकारी को मालूम पड़ा मेरा भाई आया, उससे मदद लेना चाहिए, बड़ा धर्मात्मा है वो, मेरे मुक्ति का मार्ग ये दिखाएगा, लेकिन जाए कैसे, मैं बोलू कैसे कि मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार करो, सामर्थ्य नहीं था बोलने का। वो अनेक रूप धारण कर रहा था नारायण, रूपों को धारण करने का सामर्थ्य था, लेकिन अपनी समस्या सीधे उनके सामने रखने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। कभी आग का गोला बन के सामने आ जाता, कभी कोई भेड़ बकरी बन के आ जाता, कभी शेर बन के आ जाता, अनेक रूपों को धारण करके वहां कक्ष में प्रकट हो जाता। आत्मदेव सोचने लगे कोई ये दुष्ट अभिशप्त जीव मालूम पड़ता है, और ये मेरे से संवाद स्थापित करना चाहता। आत्मदेव को भय नहीं था, दया जागी उनके ऊपर, कमंडल से जल निकाला, नारायण हाथ में लिया, थोड़ा छिड़क दिया कमरे में, और उतने में ही धुंधुकारी में शक्ति आ गई बोलने की। आत्मदेव ने पूछा, तुम कौन हो भैया, और ये अनेकों रूप धारण क्यों कर रहे हो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उन्होंने कहा कि मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैंने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं, और मैं वेश्याओं के द्वारा मारा गया हूं, प्रेत बन गया हूं,
और इस प्रेत योनि से मेरे को मुक्त कीजिए, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। दया आ गई नारायण आत्मदेव को, और आत्मदेव ने एक भागवत की कथा का आयोजन किया उनके मुक्ति के लिए। 7 दिनों तक एक बांस 7 गांठों वाला गाड़ दिया गया, और वो बांस के नीचे जाके बैठ गया, सूक्ष्म जीव में था वो। 7 दिनों तक कथा सुनी उन्होंने, और वो इतनी एकाग्रता से कथा सुनी, इतनी एकाग्रता से, क्योंकि वो बहुत दुखी था। अपने दुखों को दूर करने के लिए वो उपाय कर रहा था, और इसीलिए उसके अंदर एकाग्रता थी। 7 दिनों में 7 ग्रंथियां, ग्रंथियों का भेदन हुआ, अनंत जन्मों के पाप उसके समाप्त हो गए, और एक दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के दूत उनको लेने के लिए आए, और वो भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे ना, उन्होंने शिकायत कर दी आत्मदेव के पास, कथा तो हमने भी सुनी लेकिन विमान हमारे लिए नहीं आया, उनके लिए आया, ये ऐसा भेदभाव क्यों हुआ। एक बार ऐसा ही प्रश्न किया था कबीर जी महाराज ने, कबीर जी महाराज ने घोषणा कर दी। एक बार बहुत सारे लोग कबीर जी महाराज के पास आते, बातचीत करते, ज्ञान वैराग्य ध्यान, कबीर जी बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, और कबीर जी महाराज ने एक युक्ति अपनाई। कबीर जी महाराज ने घोषणा कर दी, कल का समय बहुत सुंदर है, मौनी अमावस्या, और उन्होंने कहा इतने पवित्र दिन में जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा, और उसके लिए कुछ सेवा लेना देना कुछ नहीं है, कोई फीस भी नहीं है, आप आओ पहले आओ और पहले पाओ। घोषणा हो गई, लोगों को मालूम पड़ा, लोगों को भी मालूम था कि कबीरदास जी महाराज बहुत करामाती साधु हैं, वो मोक्ष भी दे सकते हैं, आत्मबोध भी दे सकते हैं। बातें हवा में फैल गई, प्रचार हुआ, हजारों लोग पहुंच गए, ये बनारस की बात है, हजारों लोग पहुंचे नारायण, हजारों लोग पहुंचे, और एक ही चर्चा हो रही थी, कबीरदास जी महाराज मोक्ष देने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी से जल्दी चलो। अब वो टूट पड़े लोग नारायण, वहां टूट पड़े लोग, जाना है कबीरदास जी महाराज जी के पास, जल्दी चलो जल्दी चलो। और उन्होंने दूसरे को दे दिया था, हमको नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है ना, मेरे पास कोई थोड़ी चीज हो बांटने वाली, तो आपको क्या लगता है चीज थोड़ी है, जल्दी करो नहीं तो खत्म हो जाए। वो छीना झपटी है वो। एक बार की बात है, हम लोग कृष्ण जन्म मना रहे थे, और कृष्ण जन्म के दिन वो लूटा लूटी होती है, खिलौने चॉकलेट वगैरह वगैरह। एक माई आई और आ करके मेरी भागवती उठा के ले जा रही थी। मैंने कहा मैया मैया रुको रुको, ये क्या ले जा रहे हो? अरे बोले मेरे को कुछ मिला नहीं, मैं पुस्तक ले जाऊंगी। मैंने कहा ये मेरी है भागवत पढ़ने वाली। उन्होंने कहा मेरे को फिर इसके बदले में कुछ दे दो। फिर हमने उनको चॉकलेट वॉकलेट दे दी, मैंने आज पिंड छुड़ा लिया, पुस्तक रख लिया हमने। चीज यदि कम हो और मांग करने वाले ज्यादा हो तो वहां बहुत अस्त व्यस्तताएं फैल जाती है, अव्यवस्थाएं फैल जाती, चारों लोग वहां पर पहुंच गए नारायण। कबीर जी महाराज जी बड़े मजेदार साधु एक टीले के ऊपर खड़े हुए थे, अंधेरा अंधेरा का समय था, हाथ में एक मशाल थी। सारे लोग पहुंचे और कबीरदास जी महाराज जी से प्रार्थना की, नारायण नमो नारायण नमो नारायण, कबीरदास जी महाराज नमो नारायण, हम आ गए हम आ गए, और हम मोक्ष चाहते हैं, आपने घोषणा कर दी मोक्ष चाहते हैं, घोषणा कर दी आप हमको मोक्ष दे दो। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मैं सबको मोक्ष दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, ये मेरे हाथ में जो मशाल है जिसको दे दूंगा उसको मोक्ष हो जाएगा। लोगों ने सोचा मशाल तो एक और लेने वाले हजारों, अब जो ताकतवर थे वो छिना झपटी करने लगे, आगे बढ़ने लगे, कबीरदास जी महाराज जी के हाथ से छीनने लगे। हाँ आप बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको मालूम हो कि गुरु के पास वो चीज है और आपको नहीं मिलने वाले, तो आप छीन सकते हो, नहीं छीन सकते ईमानदारी से, हाँ हाँ छीन सकते हो।
कबीरदास जी ने कहा कि भैया तुम जबरदस्ती छीन भी लोगे मशाल तो भी तुमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तुमको मोक्ष पाना हो तो एक शर्त है, पहले वो शर्त सुन लेना, बाद में ये मशाल ले जाना। लोगों ने कहा सुनाओ शर्त क्या है। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मशाल ले लो, अपने घर चले जाओ और अपने घर को आग लगा के वापस आ जाओ। बोले मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन शर्त क्या है, ये मशाल लेके जाना है और घर में अपने फूकना है, वापस आ जाना है। अच्छा अब मैं आपको पूछता हूं कितने लोगों ने वो मशाल ली होगी। आप भी वहां पर जरूर होंगे लेकिन आप लोगों ने भी वो मशाल नहीं ली होगी। हाँ नहीं लिया ना। आप तो चाहते हो हमको मोक्ष मिले लेकिन आपकी मोक्ष की तैयारी क्या है। आपको मोक्ष मिलने के लिए जो करना है वो आप नहीं करते हो लेकिन आप मोक्ष चाहते हो। आप नरक जाना नहीं चाहते हो लेकिन वो सारी चीजें करते हो जो नरक का टिकट बन जाता है। आपके चाहने से होता कुछ नहीं है, आपको जो पाना है, आपको यदि स्वर्ग पाना है तो आपको स्वर्ग जाने के सारे मार्ग अपना लेने चाहिए। आपको नरक जाने से रहना है, आपको नरक नहीं जाना है तो नरक के सारे मार्ग हैं, उससे आपको बंद कर देना चाहिए और कोई उपाय नहीं है। आत्मदेव ने कहा, देवदूतों ने कहा, नारायण धुंधुकारी ने कथा सुनी थी, आहा बहुत अच्छी सुनी थी, मन एकाग्र था और वो पूर्ण एकाग्रता से कथा सुनने के बाद वो मोक्ष का भागी बना। और आप लोग भी कथा सुन रहे थे लेकिन आपका ध्यान नहीं था, आधा ध्यान इधर आधा ध्यान, दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं यहां गिरा कहीं। हम लोग ऐसे बैठे हैं, हम कथा तो सुनते हैं लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, और आपकी चेतना बिखर जाती है, आपकी एकाग्रता कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। और जो आपको ग्रहण करना है वो ग्रहण करने से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपको यदि चेतना को प्रकट करना है, अपने भीतर के ज्ञान को जगाना है तो आपको पूर्ण एकाग्र होना होगा, अपने मन के पागलपन को दूर करना होगा, वासना के पागलपन को शिथिल करना होगा। ये बात सुनने के बाद सावधान हो गए जितने भी गोकर्ण जी महाराज जी के आसपास के लोग थे, वो सावधान हो गए। और सावधान होकर उन्होंने दोबारा कथा सुनी और ये शास्त्र ऐसा कहता है कि वहां एक बहुत बड़ा विमान आ गया। भगवान ने पहले तो छोटा विमान भेजा था, एक सीटर वाला। एक महात्मा बोले पहले तो गोकर्ण को लेने के लिए विमान आ गया, वो तो कितना बड़ा होगा वो? अरे छोटा सा होगा वो। और पूरे गांव के लोगों को, आत्मदेव के गांव में जितने लोग थे उन सबको लेने के लिए जब विमान आया तो कितना बड़ा होगा फिर भैरगड़ा जी? कितना सीटर होगा? कम से कम 1000-2000। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम्। जैसे राम, प्रभु राम ने अयोध्या के सारे लोगों को लेकर प्रस्थान कर दिया गोलोक, वैसे आत्मदेव ने नारायण अपने गांव के जितने भी लोग थे उन सबको लेकर के भगवान के धाम को चले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सनकादियों ने कहा कि भैया भगवान के नाम का बहुत बड़ा सामर्थ्य, आप भगवान का नामस्मरण करते हो, आप भगवान की कथा श्रवण करते हो तो आपके अंतःकरण में जो पागलपन है, जो वासना है, जो बहुत सारी कमियां अपने जीवन में वो झरना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप साबुन लगाते हो ना, आपका मैल कपड़े का छूटना शुरू हो जाता है। ऐसे आप सत्संग में बैठते हो तो आपके जो पुराने दुष्ट विचार हैं वो झरने शुरू हो जाते हैं, नए विचार पैदा शुरू हो जाते हैं। जो आपके दिमाग में गलत
जो समझ है, जिसको आप गलत समझ रहे थे वो गलत समझ भी हटनी शुरू हो जाती है। कई बार आपको लगता है ना, कई बार लगता हो हम तो गलत समझ रहे थे। सत्संग के बाद जिसको आपने गलत समझा वो गलत समझी आपकी चली गई, विदा हो गई। और सत्संग का सबसे बड़ा फायदा, नारायण भगवान के नामस्मरण का सबसे बड़ा फायदा है, आप जेनेटिक रूप से बदल जाते हैं, आपके रोम रोम में परिवर्तन आ जाता है, आप जो करते हो वो होना शुरू हो जाते हो। आप बैठकर भगवान का नामस्मरण करो तो आप जेनेटिक बदल जाते हैं, आपके रोम रोम बदल जाते हैं, आपके बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं, आपका चेहरा मोहरा बदल जाता है, आपकी आकृति भी बदल जाती है। भगवान का भजन करने वाले आदमी को आप देखना कभी, ओहो वो अलग होता है। और जो भगवान का भजन नहीं करता है उसका चेहरा कुछ अलग हो जाता है। आपने कभी राक्षस का चेहरा देखा? कभी आपने राक्षस नहीं देखा होगा लेकिन राक्षस का फोटो देखा होगा, बड़े बड़े दांत, ओह बड़ा भयंकर, आप देखते डर जाए। और किसी देवता का चेहरा, ओह बड़ा सौम्य, आप देखो और प्रसन्नता से भर जाओ। ये कोई काल्पनिकता नहीं है, आप जो करते हो उसी के अनुसार आपका संपूर्ण जीवन बनता है, आपकी आकृति बनती है, आपका ये शरीर बनता है, आप मोक्ष के भागी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आदमी को निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए, आदमी को सत्संग सुनकर अच्छी अच्छी बातों को जीवन में उतारना शुरू कर देनी चाहिए। एक महात्मा जी बड़े सुंदर थे, उन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं हर साल एक चीज छोड़ा करूंगा। जब भी वो नया साल शुरू हो जाता तो वो सोचते कि मैं क्या छोड़ूं, क्या छोड़ूं, क्या छोड़ूं। ओ चलो आज मैं क्रोध छोड़ देता हूं। दूसरे साल में प्रवेश करने के बाद सोचते अब इस साल क्या छोड़ना है, ओहो वस्त्रों के प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा आसक्ति है, मैं इस आसक्ति को त्याग देता हूं। और कोई समय आया दूसरा वर्ष, वो सोचते कि मेरे मन में इसके प्रति ये भाव है, उसको मैं त्याग देता हूँ। एक समय ऐसा आया साधु के पास त्यागने के लिए कोई चीजें नहीं रह गई, परम पवित्र हो गए। आपको भी ये निर्मलता को धारण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप प्रयागराज आए हैं गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में नहाने के लिए, आप नहाओगे, आप धोओगे, क्या धोओगे, आप यहां क्या धोने के लिए आए हो? पहला तो निर्णय करो कि आप पापी है कि नहीं। यहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो पापी हो। आपको भरोसा ना हो तो आप सर्वेक्षण करो, आप इनके घर वालों को पूछ लो, आज तक आपको आपके घर वालों ने क्या बोला, आपको पापी बोला कि खुद को पापी बोला? आज तक आपके घर वालों ने आपको बेवकूफ बोला कि खुद को बेवकूफ बोला? यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिन्होंने आपको यह बोला होगा कि हम बेवकूफ है, आप बहुत समझदार है। लेकिन यहां हर आदमी ने आपको बोला होगा कि तुम बेवकूफ हो, हम बहुत समझदार है। आप अपने आप को देखना आप कितने पापी हैं, लेकिन आप कभी नहीं मानोगे कि हम पापी हैं, और उसके बाद भी आप पाप धोने के लिए आए। ये बात तो बहुत गैर ईमानदारी की बात हो गई। बात तो सत्य ये है, यहां आपको पाप धोना नहीं है, आपके अंदर की जो कमियां है उसको धोना है, क्योंकि पाप का नाम है अदृष्ट। अदृष्ट माने जो कभी दिखाई नहीं देता है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कितने पापी हैं, क्योंकि पाप माने अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर जो कमियां है, आपके अंदर जलन है, घृणा है, वासना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, उसका त्याग करो। आप अपने जीवन को निर्मल बनाओ। आप गंगा स्नान करके आए तो सबको मालूम पड़े कि ये प्रयागराज में नहा के आए हैं, और वो आपके कपड़ों से मालूम न पड़े, आपके स्वभाव से मालूम पड़े। ये आंतरिक जीवन का परिवर्तन ही धर्म है। धर्म ये बाहर आडंबर नहीं है, एक प्रतीकात्मक है कि आप जाके त्रिवेणी में नहा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आप बहुत सारा संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद मैं ये सारी चीजें हमारे जीवन में जो कमियां हैं ये दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप वहां जब डुबकी लगाते हो तो आपको उस समय याद होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, और उसको हमको हम धो रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो। वहां गए और आपको अपनी कमियों की याद ही नहीं रह गई और आपको मालूम ही ना पड़े कि आप क्या धो रहे वहां पर। ये अध्यात्म जो है वो रियल, ये प्रैक्टिकल है, आपके जीवन में एक प्रयोग है नारायण। और ये प्रयोग सफल हो गया, आत्मदेव ने भागवत की कथा सुना दी और धुंधुकारी मुक्त हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शौनक जी महाराज ने उपदेश दिया नारायण, प्रश्न किया, सुध जी महाराज ने ज्ञानोपदेश किया। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, प्रथम अध्याय से शुरुआत होती है भागवत की कथा। अभी आप जो श्रवण कर रहे थे ये महात्म्य की कथा थी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेरुवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां नाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवृद्ध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा। व्यास जी महाराज ने भगवान के चरणों में नमन किया। मैंने आपको कहा था आप जो भी काम करो भगवान को याद करके, आप जो भी काम करो भगवान को याद करके। मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, अच्छा या बुरा। आप अच्छा काम कर रहे तो भगवान को याद करके, और बुरा भी काम कर रहे तो भगवान को याद करके। आप जब भगवान को याद करके बुरा काम करोगे एक समय आएगा वो बुरा छूट जाएगा। एक बार की बात है, हमारे परम श्रद्धेय दादा गुरु अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के पास मुंबई में एक कोई परिवार आया और उन्होंने प्रार्थना की, नारायण हमारा ये बच्चा शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, बहुत बर्बाद हो रहा है, महाराज कृपा करो कुछ करो। महाराज ने उस बच्चे को बुलाया और बुला करके महाराज ने कहा, बेटा तुम शराब पीते हो कोई बात नहीं, शराब पी लो, लेकिन एक काम करो, रोज भगवान को भोग लगा के पिया करो। आप भोजन करो तो भगवान को भोग लगा के, नाश्ता करो तो भगवान को भोग लगा के, जलपान करो तो भगवान को भोग लगा के, दुग्धपान करो तो भगवान को भोग लगा के, और शराब का पान करो तो भी भगवान को भोग लगा। ओ बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, महाराज जी तो बड़ा सरल है, मैं करूंगा, रोज भगवान को भोग लगा के शराब पीऊंगा। उन्होंने सारी चीजें भगवान को भोग लगा के की, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, दूध पिया, भोजन किया, पानी पिया, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया वो, गिलास में डाल दी शराब, भगवान को भोग लगाने के लिए गया, हाथ कांपने लगा उसका और वो सोचने लगा कि मैं भगवान को भोग कैसे लगा सकता हूं शराब का। एक दो दिन पिया हो और एक दो दिन के बाद नारायण ऐसा परिवर्तन आया और उन्होंने वो शराब पीनी छोड़ दी। आप भगवत आश्रय यदि अपने जीवन में लेते हो तो सारी कमियां दूर हो जाएगी, एक दिन आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ सृष्टि का सृजक, पालक, संहारक जो परमेश्वर हैं, जिसको कोई नहीं जान सकता है, जो सबका प्रकाशक है, अंतरात्मा है, जो जगत का आधार अधिष्ठान है, ऐसे परमेश्वर को सामने रख करके उनको प्रणाम किया उन्होंने। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। उन्होंने उस परमेश्वर का ध्यान किया नारायण, और वो यहां कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, सत्यम परम धीमहि। मैंने आपको बोला था भागवत का आरंभ जो है ना वो सत्य, सत्य से है। सत्य को याद करते हुए भागवत का आरंभ है।
क्योंकि सत्य ही अस्तित्व हमारे जीवन का मूल आधार है। परमात्मा सत्य है, सत्य माने अपरिवर्तनीय, जो चेतना जो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होती है। आप दुनिया के पदार्थों को देखना, आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं होंगे, आप पैदा होने के पहले नहीं थे, आप मरने के बाद नहीं होंगे, आपका जो अस्तित्व है वो पैदा होने और मरने के बीच का है। लेकिन परमात्मा का जो अस्तित्व है वो सदा है, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। और ऐसे चेतना को यहां पर सत्य बोला गया है, नारायण सत्यम परम धीमहि। और ऐसे सत्य परमात्मा का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत की कथा का आरंभ किया। उन्होंने घोषणा कर दी, एक बड़ी मजेदार घोषणा कर दी। मेरे को लगता है कि सुखदेव जी महाराज जी के अंदर का जो करुणा का भाव था, जो कारुण्य था, वो शब्द बन के प्रकट हो गया। उन्होंने कहा पिबत पिबत भागवतम रसमालयम, पियो पियो पियो, ऐसा बोला। जैसे आप किसी को भोजन कराते हो ना, आप क्या बोलते हो, खाओ 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 खाओ, ऐसा बोलते कि नहीं? आपके अंदर बहुत प्रेम हो ना तो आप एक बार नहीं बोलते हो, आपके अंदर प्रेम ना हो ना तो यूं मुख टेढ़ा करके डाल देते हो। आपको भोजन नहीं कराना है किसी को, जबरदस्ती कराना तो मुख टेढ़ा करके फटाफट डाल देते हो। और यदि आपके अंदर प्रेम हो ना तो आप बार बार बोल, महाराज ले लो, महाराज ले लो, महाराज ले लो, ओ पियो पियो, दूध पियो, रोटी खाओ, ये करो वो करो करो करो, ये बार बार बोलने का भाव, एक करुणा प्रकट हो जाती है। और यहाँ सुखदेव जी महाराज जी के अंदर का जो कारुण्य था वो प्रकट हो गया। पिबत भागवतम, बोले पियो पियो, ये भागवत एक रस है, रस, और इस रस का पान करो। पिबत रसमालयम, ये रस है, रस भागवत एक रस कानों के द्वारा, इसका पान करो। मुह रहो रसिका भूवी भाविक भाविका, हे भाविक जन, हे आस्थावान लोगों, निरंतर जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलते हैं, जीवन की सारी कमियां दूर नहीं होती, तब तक श्रीमद् भागवत के रस का पान करो। आह्वान किया नारायण। और उसके बाद फिर पुनः भागवत की कथा का आरंभ हो गया। आपको मैंने कथा के आरंभ में ही एक बात बताई थी, नैमिष्य अरण्य में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ हुआ था। यजमान मरने तक यज्ञ करता था वहां, और मरने के पहले दूसरे यजमान को संकल्प दे के मरता था। 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चल रहा था। और उस यज्ञ के मध्य में सूत जी महाराज, जिनका नाम है रोम हर्षण, वो भागवती कथा कर रहे थे। और उनके मध्य में 88,000 श्रोताओं के मध्य में शौनक जी महाराज उठ के खड़े हो गए। और शौनक जी महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, आप ज्ञानी हैं, आप इतिहास और पुराणों के आचार्य हैं, सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा आपने पुराणों का अध्ययन किया है, आपके पिताश्री इतिहास और पुराणों के आचार्य थे, आप हमें भागवती कथा सुना दीजिए, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं आप उनको सुना दीजिए। भगवान ने जन्म ग्रहण किया वसुदेव और देवकी के द्वारा, भगवान मथुरा में पैदा हुए, और मथुरा से भगवान गोकुल गए, गोकुल से भगवान फिर वृंदावन में आए, अनेकों असुरों का भगवान ने उद्धार किया, ये सारी कथाएं हमको सुना दीजिए। और आप ये भी सुना दीजिए कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, और भगवान के प्रति हम समर्पित कैसे हो सकते हैं, और धर्म किसका आश्रय लेकर के जीवित रहता है, प्रश्न बड़ा सुंदर किया। और उसके बाद फिर सूत जी महाराज जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज जी ने और व्यास जी महाराज जी ने जब भागवत की कथा की तो परमात्मा को याद करके, लेकिन सूत जी महाराज जी ने जब कथा का आरंभ किया तो परमात्मा को याद नहीं किया, उन्होंने किसको याद किया, अपने गुरु को याद किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनीदु
तम सर्वभूत हृदय मृमान तोष्मी। क्योंकि उनके मन में अपने गुरु के प्रति अगाध आस्था है नारायण, उनको मालूम है, गुरु के द्वारा ही मालूम पड़ा परमेश्वर क्या है, गुरु के द्वारा मालूम पड़ा आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, गुरु के द्वारा मालूम पड़ा ये दुनिया क्या है, उसका स्वभाव क्या है। और वो आत्मबोध को, भगवान के भक्ति को प्राप्त हो गए और इसीलिए उनके मन में अपने गुरु के प्रति धन्यवाद है, और वो परमात्मा से भी ज्यादा अपने गुरु को मानते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा अपने गुरु के प्रति उनके मन में आस्था है। हमने ईश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन हमने अपने गुरु को देखा है, उनके ज्ञान को, उनकी उदारता को, उनकी तपस्या को देखा है, उनके प्रेम को देखा है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद दो नंबर में रखा है उन्होंने परमात्मा को, ध्यान देना, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसके बाद नारायण को, नर को और सरस्वती देवी को भी उन्होंने नमस्कार किया। और वो निमिष अरण्य के पवित्र क्षेत्र में, तीर्थ में 88,000 ऋषियों को उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। बोली भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासु गुणमय्या गुणो विहु वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। अभी आप सीधे बैठ जाए, थोड़ा सा हम लोग भगवान की साधना करेंगे। सीधे बैठ जाएं, अपने अपनी आंखें बंद कर ले, एकाग्र हो जाए, ऐसे एकाग्र हो जाए जैसे कि मानो आप है ही नहीं। आंख बंद कर लो बस। मैंने आपको सुबह के प्रातः के सत्र में सुनाया था, आप आंख बंद कर लेते हो तो मन के आधे हिस्से पर नियंत्रण कर लेते हो और आपके शरीर को स्थिर कर देते हो, तो आप 25% अपने मन के हिस्से पर नियंत्रण कर लेते हो। 25वां हिस्सा आंतरिक विक्षेप बना रहता है, वो साधना से आपको दूर करना होता है। आपको आंख बंद करना है, मैंने बंद करना है, आपके आंखों पर नियंत्रण होना चाहिए। थोड़ी आंखें बंद हैं, थोड़ी खुल रही हैं, आंख बोल रहे हैं हम बंद नहीं होंगे, जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा देख रहे हैं खोल के। कई बार तो लोग मेरे को देख लेते हैं कि स्वामी जी देख रहे कि नहीं हमको, और जैसे हम देखने लगते फट से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आप आंख बंद करो, पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाओ। आपका 5 मिनट का समय मैं ले रहा हूँ, 5 मिनट आप पूर्ण मौन ध्यान में चले जाओ। गहरी सांस लेना, लंबी और गहरी सांस ले। आप लंबी और गहरी सांस ले। अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। अपने हाथों को ढीला छोड़ दे, पैरों को ढीला छोड़ दे, खींचे नहीं अपनी तरफ। आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं। जब आप सांस ले
तो ओम ह्रीम नमः शिवाय, और छोड़े तो भी ओम ह्रीम नमः शिवाय। सांस ले रहे हैं, ओम ह्रीम नमः शिवाय। आप छोड़ रहे हैं, ओम ह्रीम नमः शिवाय। आप जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपके तनाव, आपके अंदर की नकारात्मकता सारी शांत हो जाती है। जब आप तनाव में महसूस करें, आप तनाव महसूस करें, तनाव में आप हो, आप आंख बंद कर लो और लंबी गहरी सांस ले, आपके अंदर का तनाव बिल्कुल दूर होगा। और लंबी गहरी सांस के साथ परमात्मा को जोड़ ले, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। श्वास ले रहे हैं, ओम ह्रीम नमः शिवाय। श्वास छोड़ रहे हैं, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ओम ह्रीम नमः शिवाय। भगवान का भजन करें। एक इसी प्रकार आप एकाग्र भाव से अपने रूम में बैठे रहे, साधना करें। हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आंखें बंद रखे तो ज्यादा अच्छा है।
ताली बजाते हो श्री राधे। ओ इतनी रो बड़ी भागी रे दे।
बनेगी। ओ इतिरो बनो भागो भगवान की जय। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जग पंत खोल, सनी मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्यमार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। श्री सर्वेश्वर की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, अजी आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपूरी गौरमी करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं जलेनारर्तिक्यं समर्पयामि, शीतलीकरणं समर्पयामि, पुष्पेण देवावन्दनं कृत्वा हस्तेनात्मावन्दनं आशुशोद्धरणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजियेन जजियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहनाकं महिमानः, सजन्त जद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः।